इंडिया डेली वोकैबुलरी शो सुबह 8:30 बजे, मैथ मंथन शाम 4 बजे, रीजनिंग मंत्रा शाम 5 बजे, इंग्लिश डोज शाम 6 बजे, जीके ज्ञान शाम 7 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली शाम में 7 बजे अपनी इंपॉर्टेंट क्लास होती है, जिसके अंदर हम बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं। काफी टाइम से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि आप काफी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, काफी चीजें आपने सीखी होगी, काफी नई चीज सीखी होगी और काफी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इस तरीके से अपन प्रिपरेशन करते रहेंगे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इकोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इकोसिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और काफी चीजें हैं जो कि इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब एक वीडियो के अंदर काम नहीं होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि एनवायरमेंट, अगर हम एनवायरमेंटल चीजें पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पूरे एनवायरमेंट से, वातावरण क्या होता है उससे स्टार्ट करेंगे। और आज बेसिक से जो चीजें होती है, एनवायरमेंट क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, अबायोटिक एलिमेंट्स, बायोटिक एलिमेंट्स, मतलब काफी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि अपन आज देखेंगे, जानेंगे। और उसके बाद में आने वाले वीडियोस के अंदर, 2-3 दिन के अंदर, अपन जैसे कि आपके कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं एनवायरमेंट के, एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपन पढ़ने वाले हैं। अपने आप में पूरी तरीके की एक ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत सारे पेपर में काफी, अगर बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपको इसमें से ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि ये इन्वायरमेंट, वातावरण क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है और बायोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट को अपन क्या बोलते हैं, वातावरण भी बोलते हैं। तो ये वातावरण जो है, ये एक्चुअली में होता क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वातावरण होता क्या है, इन्वायरमेंट क्या होता है, फर्क क्या है। अक्सर अगर किसी भी किताब के अंदर या क्वेश्चन में अगर ये आता है ना, बायोस्फीयर, इन्वायरमेंट, हैबिटेट, हैबिटेट होता है भाई किसी भी चीज का वास होना, ठीक है, ये वातावरण हो गया, तो समझ में नहीं आता कि दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली में। तो पहले डिफरेंस समझने की कोशिश करो, एनवायरनमेंट क्या है, जहां पे अपन रहते हैं ना, जो अपने आसपास की जो चीजें हैं उसको हम वातावरण कहते हैं। ठीक है, जो कि एक प्राकृतिक घटक है, नेचुरल एक फिनोमिना है जो अपने आसपास देखने को मिलता है, ठीक है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। वैसे ही जहां पे, जिस एनवायरनमेंट में अगर कोई रहता है, वास का मतलब क्या है, जहां पे कोई रहता है, तो जहां कोई रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट हम उसको कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई चीज उसके अंदर रहती है तो। वैसे ही बायोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, वैसे ही बायोस्फीयर क्या होता है, सब चीजों को कंबाइन कर लो, जितने भी लोग हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फेयर, हर चीज को, आसपास में जमीन को, पानी को, हवा को, सबको मिला लोगे ना, तो क्या बनेगा, बायोस्फीयर बनेगा। ठीक है, तो एनवायरमेंट तो हो गया अपने आसपास की चीजें, हैबिटेट हो गया जहां पे किसी पे, भाई फॉरेस्ट में कोई रहता है तो यानी कि वो फॉरेस्ट हैबिटेट में रहता है, अगर कोई डेजर्ट में रहता है, रेगिस्तान में, तो वो रेगिस्तान का हैबिटेट का पर्सन हो गया। सांप देखे ना अपने, सांप क्या होते हैं, एक तो हरे कलर के भी होते हैं जो कि केरला वेरला में मिलते हैं, और एक अगर आप जैसलमेर जाओगे तो वहां पे भी आपको सांप मिलेंगे भूरे कलर के, जो कि रेत के अंदर छुप जाते हैं, तो ये उनका हैबिटेट है कि वो इस प्रकार के बन चुके हैं, समझ गए। तो एनवायरमेंट, हैबिटेट, बायोस्फीयर, ये सब चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिलती है। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि ये होते क्या है, तो सिंपल सी सबसे पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए कई सारी बेसिक सी चीजें हैं, अपन बोलते हैं कि बायोटिक होता है एनवायरमेंट और नॉन बायोटिक, अबायोटिक बोलते हैं, दो पार्ट्स में करते हैं ना, एक तो बायोटिक, एक अबायोटिक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में भी इसको वही बोलते हैं, जैविक, जीवित, अबायोटिक और बायोटिक, सिंपल सी बात है। ठीक है, बायोटिक मतलब जैविक मान लो, और ये अजैविक मान लो, अबायोटिक। बायोटिक में कौन से होते हैं, सारे लिविंग, जो जीवित होते हैं ना, जो लिविंग होते हैं वो तो सारे कौन से होते हैं, बायोटिक होते हैं, और वैसे ही अबायोटिक कौन से होते हैं, जो कि नॉन लिविंग, ठीक है, जो कि नॉन लिविंग होते हैं, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, मैंने आपको कुछ एक डायग्राम के थ्रू भी आपको बताया है। सबसे पहले तो एनवायरमेंट के बारे में समझ लीजिए, एक नेचुरल कंपोनेंट है, जैसे कि एक तो लिविंग वाला बायोटिक और नॉन लिविंग वाला अबायोटिक, जो कि आपस में इंटरैक्ट करके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें एनवायरमेंट में देखिए, एक तो फिजिकल चीजें होती है, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, पानी हो गया, एयर हो गई, और एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं,
बायोमॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिजम्स और कई सारे केमिकल भी होते हैं। तो तीन प्रकार के एनवायरनमेंट के अंदर चीजें आपको देखने को मिलती है, एक तो फिजिकल, एक बायोलॉजिकल और एक केमिकल, समझ गए। और सारे आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। और जब हमारा बनता है एनवायरनमेंट, और पूरे के पूरे जीवन काल में आपको कई सारी चीजें देखने को मिलती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, कभी भी ये सेम नहीं होता है, बदलता रहता है वक्त के साथ में, ठीक है। हालांकि बायोटिक और अबायोटिक तो सेम रहते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी सब चीजें क्या रहती है, बदलती रहती है वक्त के साथ में। एक ये फ्रेंच वर्ड है एक्चुअली के अंदर एनवायरनमेंट, जिसका मतलब होता है एनवायरनर, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज अगर आपके आसपास है ना, तो हम उसको एनवायरनमेंट कहेंगे, समझ गए। ये एक डेफिनेशन है किसकी, एनवायरनमेंट की। चलिए अब देख लेते हैं क्या है वातावरण, क्या है एक प्राकृतिक घटक है, क्या है एक प्राकृतिक घटक है जिसमें जीवित यानी कि जैविक और अजैविक यानी कि अबायोटिक दोनों आपस में रहते हैं, ठीक है। और किसकी, पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरनमेंट का संरक्षण करते हैं। कैसे हो सकती है, भौतिक भी हो सकती है, जैविक भी हो सकती है और साथ में रासायनिक भी हो सकती है, तीनों पार्ट्स में हो सकती है। जैविक का मतलब क्या है, पोषण तत्व होना, पानी होना, वायु होना। जैविक कैसे हुआ, जैव अणुओं का होना। और रासायनिक कैसा हुआ, जैसे कि कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, इस प्रकार के। अब सभी पर्यावरण पर निर्भर होते हैं पहली बात तो, ठीक है। जैसे कि जन्म के लिए, जन्म से लेके पूरे जन्म से लेके मृत्यु तक आपको कई सारे तरीके के एनवायरनमेंट से गुजरना पड़ता है, कभी भी स्थिर नहीं होता है पर्यावरण, आपको पता है। हालांकि जैविक और जो अजैविक है ये हमेशा बदलते, मतलब चीजें जो है ना ये हमेशा सेम रहती है, ये तो सेम रहेगी, लेकिन वातावरण कभी भी सेम नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, ये देखते हैं हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट क्या, एक फिजिकल एनवायरनमेंट है। मैंने अभी क्या बताया कि अगर कोई भी चीज एनवायरनमेंट में रहती है, लीव्स का मतलब क्या है, रहना, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। कई तरीके के, जैसे कि प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, फंजाई हुआ, कई डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, इसके अंदर रहते हैं। अब होता क्या है कि अगर कोई भी सिंगल हैबिटेट है, एक है, अगर वो एक से ज्यादा एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकता है, अगर भी भाई सिंपल सी बात है ना, कई सारे ऐसे जानवर होते हैं ना, अब एक वो है मेंढक है, मेंढक पानी में भी रहता है, लैंड पे भी रहता है, तो उसका जो, उसके जो वास है वो एक से ज्यादा जगह के ऊपर है, समझ गए। तो जरूरी नहीं होता कि अगर एक हैबिटेट में अगर कोई एक चीज रहती है तो वो दूसरे में नहीं रह सकती है। ऐसा कई बार होता है कि कई जगह पे आपको एक ही चीज देखने को मिलती रहती है, ठीक है। यानी कि जितने भी वास होगा वो तो वातावरण के अंदर होगा, लेकिन वातावरण के अंदर, पूरा का पूरा वातावरण के अंदर एक वास हो ये जरूरी नहीं है, समझ गए। यानी कि अगर एक वास कई सारे एनवायरनमेंट के अंदर हो सकता है, लेकिन एनवायरनमेंट एक जगह पे वास पे नहीं हो सकता। ये आता है सिविल सर्विसेज का सवाल है, कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया था कि भाई ऑल हैबिटेट्स आर एनवायरनमेंट बट ऑल एनवायरनमेंट्स आर नॉट हैबिटेट। यानी कि जो वास है, ठीक है, वो तो एनवायरनमेंट के अंदर रहेगा, लेकिन पूरा एनवायरनमेंट एक जगह पे वास नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए देख लो, ये देखो, ये एक डायग्राम है हैबिटेट का। जैसे कि कई जगह पे डेजर्ट में भी रहते हैं लोग, फॉरेस्ट में भी रहते हैं, जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे भी रहते हैं, सी हो गया, ओशन हो गया, रिवर लेक्स हो गई, ठीक है, माउंटेन्स हो गए, कई सारे ऐसे प्लांट और एनिमल है जो कि माउंटेन्स में पाए जाते हैं और डेजर्ट में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये अपना अपना वास है जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होता है। चलिए ये मैंने आपको बता दिया, एक शारीरिक वातावरण है जो एक जीव रहता है, इसमें होता क्या है कि यह एक पारिस्थितिकीय या वातावरणीय पर्यावरणीय क्षेत्र है जिसमें पौधे, जानवर, कवक आदि कई तरीके की प्रजातियों से घिरा हुआ है, कई तरीके की चीजें इसमें वास करती हैं, ठीक है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए मछली, मेंढक, केकड़ा, ये कई जगहों पे पाए जाते हैं, तो कई जगह पे इनके वास हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए, सभी वास वातावरण है, लेकिन सभी वातावरण वास नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो सारी चीजें हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है, सबको मिला के भाई होता क्या है। लिथोस्फेयर का मतलब लैंड पे रहना, हाइड्रो का मतलब पानी पे, और एटमॉस्फेयर का मतलब एयर के अंदर। तो तीन ही तो चीजें हुई, मिला के तीनों को मिला लो तो क्या बन जाता है, बायोस्फेयर बन जाता है। कहां पे देखने को नहीं मिलता, या तो अगर 8000 मीटर की कोई हाइट में जाओगे वहां आपको देखने को नहीं मिलेगा, या 8000 मीटर नीचे चल जाओगे पानी में वहां पे भी नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के नॉर्थ पोल मान लो, साउथ पोल मान लो, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है ना, वहां पे आपको एनवायरनमेंट, ये जो बायोस्फीयर है वो आपको देखने को नहीं मिलता है, अदरवाइज बाकी सब जगह तो आपको देखने को मिलता है, मिलता है, समझ गए। सिंपल सी चीज है, कोई इसमें नहीं है। ये देखिए
लिथोस्फेयर का मतलब जो सॉलिड लैंड है, हाइड्रोस्फेयर का मतलब पानी है, एटमॉस्फेयर का मतलब जो गैसेस हैं, सभी को मिला के आपस को क्या बनाया गया, बायोस्फेयर बनाया गया। ठीक है, चलिए ये देखिए बायोस्फेयर मैंने आपको बता दिया कि सब कुछ मिला के लिथोस्फेयर मिला लो, हाइड्रोस्फेयर, वातावरण, सब कुछ मिला के बायोस्फेयर बनता है। और हमारे उत्तरी और दक्षिण ध्रुव जो है, उत्तचम पहाड़ है, गहरे महासागर है, जो कि इनकी बहुत ही ज़्यादा डेप्थ होती है, उनको अगर आप छोड़ दो तो इनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा हर जगह पे आपको बायोस्फीयर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए फूड चेन क्या होती है, सिंपल सा लॉजिक है। फूड चेन आपको पता है, फूड चेन और फूड वेब दो तरीके की चीज़ें होती है। अगर कोई भी जैसे प्लांट है, एक कोई पेड़ है छोटा सा, उसके ऊपर कोई छोटा सा जानवर है, वो डिपेंडेंट होता है। छोटे से जानवर किस, ठीक है, उसके ऊपर कोई मेंढक है, वो उस छोटे से जानवर के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि मैंने बनाया सबसे पहले प्लांट को कौन खाएगा, इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। ठीक है, और स्नेक को कौन खाएगा, मान लो हॉक है, ठीक है, वो उसको खाएगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी चीजें जो है ना, वो एक के बाद एक आगे जो बढ़ती रहती है, ये हमारा क्या, फूड चेन है। ठीक है, और फूड वेब कैसे बनता है, अभी देखिए फूड चेन है ना, पूरी की पूरी फॉलो होना बहुत जरूरी होती है। एक बार क्या हुआ था भाई, होता है ना कि मक्खियां बहुत हो जाती है, कई बार अपने लगता है यार कितने मच्छर हो रहे हैं, मच्छर होने नहीं चाहिए यार, ये काट जाते हैं, ठीक है, परेशान होते हैं, होने नहीं चाहिए। तो देखिए ऐसा नहीं होता, इन्वायरमेंट में अगर कोई भी छोटी छोटी जो कोई जानवर है ना, तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंट है। एक बार एक अफ्रीका का देश था, वहां पे क्या कर दिया गया था, बहुत ज्यादा मक्खियां हो गई थी, तो पूरे देश में से मक्खियों को हटा दिया। पता है क्या हुआ, मक्खियों के नहीं होने से कई प्रकार की नई बीमारियां हैं जो कि उस देश को देखने को पड़ी। ठीक है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कोई सोमालिया, केन्या, ये सब, ठीक है, कोई अफ्रीकन कंट्री था, कोई छोटा सा। तो कहने का मतलब क्या कि आपने एक प्रॉब्लम को हटाने के लिए मक्खियों को हटा दिया अपने सिस्टम में से, मक्खियों को तो हटा दिया, लेकिन मक्खियां भी क्या करती है, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं उनको रोकने का भी काम करती है, समझ गए। उनको हटाते क्या हुआ, एक नई तरीके की चीजें हैं जो कि वहां पे देखने को मिल गई, नई बीमारियां जो कि वहां पे खड़ी हो गई। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा फूड चेन है ना, इसमें से कुछ भी चीज को कम करना, हटाना, ये बड़ा नुकसानदायक होता है। भाई अगर हम बोलते हैं, भाई हमें बोलते हैं फॉरेस्ट बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, हम बोलते हैं भाई 33% है ना वो फॉरेस्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जरूरत है, हमारे जितने भी जानवर है सब चीजें क्या, एक फॉरेस्ट में रहेगी तो एक बढ़िया इकोसिस्टम रहेगा, पेड़ बढ़ेंगे, ठीक है, पेड़ बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हमारे बॉडी अच्छी होगी, लंग्स बढ़िया होंगे, और उसके बाद में चीजें हमेशा बढ़िया चलेगी, सिंपल सी लॉजिक है। तो हर चीज को बचाना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि अगर फ्रॉग कम हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो स्नेक के पास में, सांप के पास में और भी कई सारे ऑप्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग के ऊपर डिपेंड नहीं है, मेंढक के ऊपर डिपेंड नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको वो खा सकता है, ठीक है, छोटे छोटे जानवर है। तो अब जब आप एक चीज, तीन चार चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उसको एक तरीके का पूरा पूरा वो जाल बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहेंगे इसको, भाई चेन का मतलब तो ये है कि एक के पीछे एक, ये तो मैंने चेन बनाई, अभी मैं यहां पे कई सारी चीजों को जोड़ दूं तो वो क्या बन जाएगा, वेब बन जाएगा, एक तरीके जाला बन जाएगा, वेब का मतलब होता है ना जाला, तो एक तरीके का जाल खड़ा हो जाएगा। तो ये जाल जो खड़ा हो रहा है, इसका मतलब यही है कि अगर कोई एक चीज कम हो गई है तो दूसरी पे डिपेंडेंट है, तो वो काम चला लेगा किसी ना किसी प्रकार से। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए फूड चेन है, इस प्रकार से आपकी फूड चेन देखने को मिलती है। ये देखिए सबसे पहले तो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, इससे पहले भी बात करूं तो यहां पे डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक चीजें होती है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं। अब इस इनऑर्गेनिक की मदद से क्या होता है, प्रोड्यूसर बनते हैं जो कि प्लांट हो गए। उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्लांट को कौन खाएगा, जिराफ खाएगा, जिराफ को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे। जब ये मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी इसकी, तो ये डेथ होने के बाद में कहाँ, इनऑर्गेनिक वापस से क्या बन जाएगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई अपना होता है ना, या तो आप जलाओगे किसी इंसान को, भाई बोलते हैं ना मिट्टी से बने मिट्टी में मिल जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जिस तरीके से हम मिट्टी से, मतलब एक तरीके से हम पैदा हुए, ठीक है, मिट्टी से ही तो पैदा हुए, और मिट्टी में जाके आखिरी में जाके क्या हो जाएगा, हमें या तो जला दिया जाएगा, या गाड़ दिया जाएगा, या दफन कर दिया जाएगा, कुछ भी कर दिया जाएगा, जाके मिट्टी में मिलना है, वहां से वापस से क्या होगा, चीजें वापस से बनने चालू होगी, समझ गए। कोई भी जानवर है भाई, शेर कितना ही ताकतवर हो, मिलना तो उसको मिट्टी में ही है, सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर वो किसी भी चीज को खा रहा है तो जा तो मिट्टी में रहा है,
फिर वापस से मिट्टी क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, वापस से उसका जन्म हो रहा है, वापस से नई चीजें बन रही है, वापस से चीजें आगे बढ़ रही है। इस तरीके से एक ये पूरा की पूरा फूड चेन है जो कि चलती रहती है और इसका चलना बहुत जरूरी भी होता है। एक मिसकंसेप्शन क्लियर करता हूं, कई बार लोग बोलते हैं कि भाई नॉनवेज खाना कंपलसरी है, नॉनवेज जरूरी है वरना मछलियां इतनी हो जाएगी। समझ गए, मछलियां बोलते ना कि भाई अगर फिश नहीं खाएंगे तो फिश बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी भाई, जगह नहीं बचेगी फिश को खाने की। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है जो मतलब नॉन वेजिटेरियन होते हैं अक्सर इस तरीके के कमेंट करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा क्या सही है क्या आपको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको जो खाना आप खा सकते हैं, ठीक है, टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस, राइट टू चॉइस आपके पास है हमेशा अवेलेबल, उसमें कोई कंसर्न नहीं है, डजंट मैटर कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, जो जहां पे रहता है ना उसका कंजप्शन उस प्रकार से होता है। अगर कोई कोस्टल एरिया पे रहता है तो वहां पे उसको गेहूं नहीं मिलेगा, वहां पे उसको सी फूड मिलेगा, तो वो सी फूड कंज्यूम करता है। अगर कोई गेहूं मिलता है जहां पे तो वो गेहूं कंज्यूम करता है। डिपेंड्स ऑन आपका एरिया कहां पर है, आप कहां पे रहते हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी धर्म के ऊपर या इन चीजों के ऊपर मैटर नहीं करता है। पहली बात तो जो आपको ध्यान रखनी जरूरी है। दूसरी बात कि अक्सर होता क्या कि अगर मछलियां बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है तो बड़ी मछलियां उनके खाने के लिए भी तो बड़ी होती है, समझ गए, तो अगर छोटी मछली 1000 हो रही है तो बड़ी मछली 100 होगी, उससे बड़ी मछली क्या होगी, छोटी 10 होगी, तो एक के बाद एक जो है ना चेन है वो ऑटोमेटिकली बनी हुई है। तो इंसान का उसके अंदर उंगली करना या फिर उसके अंदर घुस जाना है ना जरूरी नहीं होता है, समझ गए। अपनी प्रॉब्लम क्या है, कैंसर इतना क्यों बढ़ रहा है, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको बायो मैग्निफिकेशन होता क्या है, किस प्रकार से हमने नॉनवेज को ज्यादा कंज्यूम करके हमारी बॉडी में टॉक्सिक एलिमेंट्स को बढ़ा लिया है और उससे हमारे कैंसर होना, फर्टिलिटी नहीं होना, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि हमारी बॉडी में बढ़ रही है, समझ गए। चलिए ट्रॉपिक लेवल समझ लीजिए। ट्रॉपिक लेवल होता क्या है, हर एक लेवल होता है, मैंने आपको बताया ना कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो एक जो हर एक क्या होता है, एक ट्रॉपिक लेवल होता है जिस तरीके से ऊपर बढ़ता है, जैसे कि सबसे पहले प्लांट हो गया, फिर उसके बाद जिराफ हो गया, फिर उसके बाद लायन हो गया, समझ गए। मान लो डायनासोर होता तो लायन को भी खा जाता, तो इस तरीके से क्या होता है, सबका लेवल बना हुआ है। तो इनको लेवल को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक स्तर बोलते हैं हिंदी में इसको, बोलते हैं ट्रॉपिक स्तर। तो एक स्तर के ऊपर जो चीजें काम करती है तो हम उसको ट्रॉपिक स्तर कहते हैं, जो कि सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हरे पौधे जो है वो उत्पादक है ट्रॉपिक स्तर का, जड़ी बूटी प्राथमिक उपभोक्ता हो गया ये सेकंड लेवल पे, प्राथमिक माध्यमिक उपभोक्ता तीसरे लेवल पे, मांसाहार और शीर्ष मांसाहार कौन से है, तृतीय उपभोक्ता, यानी कि लेवल 4 के ऊपर, समझ गए। ये देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ना एनर्जी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, लॉस होता जाएगा एनर्जी का, ठीक है, लॉस होता जाएगा एनर्जी का, ये बात भी ध्यान रखनी है। ओके, जिस प्रकार से मतलब यहां ऊपर जाते जाओगे आप, ठीक है, तो ये देखिए ग्रीन प्लांट हो गए प्रोड्यूसर्स, ट्रॉपिक लेवल 1 हार्वीवोरस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस, इस तरीके से आपके ट्रॉपिक लेवल है जो कि आपको ध्यान रखना है। ओके, हार्वीवोरस मैंने आपको बताया सेकंड ट्रॉपिक लेवल के ऊपर होता है, और हायर ट्रॉपिक लेवल में कार्निवोरस होंगे, और कोई भी जो चीजें है ना ऑर्गेनिज्म वो एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर उसको जो है ना असाइन नहीं कर सकते, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर रखना होता है हमें। हर चीज क्या होती है एक अलग लेवल के ऊपर होती है उसके काम के हिसाब से। इंसान क्या होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं इंसान, तो ओमनीवोरस का मतलब क्या है, जो भाई ना तो हार्वीवोरस को छोड़े ना कार्निवोरस को छोड़े, समझ गए भाई। होता क्या जानवरों में क्या होता है, एक तो हार्वीवोरस होता है जो कि सिर्फ पेड़ पौधे खाएगा, वेजिटेरियन होता है कुल मिला के, एक ऐसे जानवर होते हैं जो कि कार्निवोरस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मांस खाएगा। भाई शेर कभी पौधे खाता है क्या, शेर कभी पौधे नहीं खाएगा, समझ गए। अब इंसान एक ऐसी चीज है जो कि दोनों को नहीं छोड़ती, चाहे तू भी आ जा भाई, तू भी आ जा, मतलब शेर मिल रहे तो भाई शेर को भी आ जा, शेर को भी छोड़ने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हर चीज हर एक स्तर के ऊपर ओमनीवोरस, हम इंसान को क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं, समझ गए। चलिए अब थोड़ा से फूड चेन के अंदर होता क्या एक्चुअली में ये भी समझ लीजिए। अब एक होती है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब क्या है कि जो स्टार्ट्स विद द ग्रीन प्लांट, कोई भी चीज अगर ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रही है तो उसको हम ग्रेजिंग कहते हैं इंग्लिश के अंदर, इंपॉर्टेंट नाम है इंग्लिश में भी और हिंदी में यही बोलते हैं। पैरासिटिक कौन होते हैं, जो कि छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ग्रास, क्राउ, लाइस, ठीक है, ये भी ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होते हैं और बड़े ही छोटे होते हैं, ये बात। और सैप्रोफिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक जो डेड प्लांट के ऊपर एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको कहते हैं, समझ गए। जैसे कि होते हैं ना कई सारे डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया फैक्टीरिया ये सब, तो ये सैप्रोफिटिक होते हैं कई सारे, जो कि क्या होते हैं, इनको डेंट्रिक्स भी कहते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं डेड प्लांट के ऊपर, एनिमल के ऊपर, उन सब के ऊपर,
ठीक है, यूरिन के ऊपर, एस्क्रिट्रा के ऊपर, इन सब के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये तीनों भी आपको ध्यान रखना है। और भाई इसी तरीके से एक पिरामिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये देखिए पिरामिड कैसे बनेगा भाई, पिरामिड ऐसे तो बनेगा, ठीक है, मतलब एक तरीके से ऐसे तो पिरामिड बनेगा नहीं है, तो ये पिरामिड इसी प्रकार से बनता है। नंबर अगर मैं पहले तो नंबर के हिसाब से बनाऊं तो नीचे की तरफ नंबर क्या होते हैं, लार्जर होते हैं भाई, छोटी मछलियां जो होती है, स्मॉल फिश होगी वो बहुत ज़्यादा पैदा होती है, लेकिन अगर उससे बड़ी शिप होगी तो वो कम नंबर पे होगी, स्मॉल होगी। और शार्क कैसी पैदा होगी, वो बड़ी और भी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होगी। तो नंबर के हिसाब से पिरामिड जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं वो कम होते जाता है, सबसे पहली बात। बायोमास का भी सेम है और एनर्जी लेवल भी क्या होती है, कम होती जाती है जैसे जैसे अपन ऊपर जाते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं पिरामिडिक सिस्टम, ठीक है, इसको बोलते हैं पिरामिडिक सिस्टम। देखिए ऑटोट्रॉफ जो होते हैं ना, ये ग्रीन प्लांट जो खुद का खाना बनाते हैं, ये बेस के ऊपर होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा होंगे, 1 लाख ऑटोट्रॉफ आपको मिल जाएंगे, लेकिन लायन टाइगर की बात करोगे तो कुछ 1000 में, 5-10 हज़ार ही आपको मिलेंगे, समझ गए, जिनको टॉप कार्निवोर्स बोलते हैं, जो कि सबसे ऊपर वाले लेवल पे आपको देखने को मिलते हैं। वैसे फूड वेब मैंने आपको बताई दी है कि अगर कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है और बाकी को भी खा सकता है, तो मेंढक भाई मछली क्या है, मेंढक के अलावा छोटी मछलियों को भी तो खा सकती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब कहते हैं हम उसको। चलिए ये देखिए, हर एक चीज़ जो है भाई, आपको अगर मैं बोलूँ सिर्फ और सिर्फ चावल के ऊपर जिंदा रहना है तो कब तक चावल खा लोगे, कभी तो भाई बाजरा, कभी रोटी, कभी सब्जी, बाकी चीज़ें तो खानी पड़ेगी ना, ठीक है। और अगर आपके कोस्टल एरिया में रहते हैं जहाँ पे राइस और वीट नहीं मिलता है, तो चिकन मटन भी तो आपको कंज्यूम करना पड़ेगा ना। तो कुल मिला के ये वेब है, ये तो मैंने इंसान की बता दी, लेकिन यहाँ पे जानवरों की भी, प्लांट और ये जो है ना पूरे इन्वायरमेंट, इसकी भी एक फूड वेब बनी हुई है, ठीक है। अब भाई सांप है, सांप को बोलते हो तो सिर्फ रेट ही खाना है, तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा यार, मतलब कहाँ से ढूंढेगा पूरे दिन में रेट, मतलब सिर्फ और सिर्फ रेट ही खाना है, वो बोलेगा यार ये अच्छी अलग से फफूंद कर दी, सिर्फ और सिर्फ रेट ही खाना है, तो भाई रेट के अलावा देखो फ्रॉग मिल जाए तो तू उससे भी काम चला सकता है, समझ गया, इस तरीके से। चलिए तो इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया कि अगर एक चीज़ अगर एक के ऊपर डिपेंड करेगी ना, तो हमारी पूरी की पूरी स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। जंगल का ना जो जंगल, वो पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पे होगा, कई सारे डिजीजेस हो जाएंगे और कई जो पॉपुलेशन है वो एक की खत्म हो जाएगी। अगर बोला जाए शेर को कि तेरे को सिर्फ डियर डियर हिरण को ही खाना है, मतलब तो वो बोलेगा यार सिर्फ और सिर्फ हिरण ही है, मतलब मेरा खाना, तो मैं पूरे हिरण खा जाऊँ, तो शेर और क्या करेंगे, हिरणों में एक तरह की जंग छिड़ जाएगी, समझ गए। तो ये जो सिस्टम है वो फूड वेब का होता है। एनर्जी फ्लो की बात करें तो एनर्जी फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। पेपर में आता है एनर्जी फ्लो के बारे में, पूछते हैं कि एनर्जी फ्लो जो है वो इकोसिस्टम में किस प्रकार का होता है, इकोलॉजी इकोसिस्टम में, तो ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी कि एक डायरेक्शन के अंदर होगा, मतलब हमेशा सेम डायरेक्शन में। क्या इंसेक्ट को खाने के बाद में फ्रॉग के अंदर एनर्जी आई है, तो क्या फ्रॉग के खाने के बाद में इंसेक्ट में एनर्जी आ सकती है क्या, नहीं आ सकती ना। एनर्जी होगी वो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर करेगी, ना कि दूसरे आदमी से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वापस नहीं आएगी एनर्जी, समझ गए। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन पोजिशन टू द अनादर। भाई एनर्जी को ना तो आप पैदा कर सकते हो, ना मार सकते हो, ये ट्रांसफर हो सकती है, मेरे में एनर्जी होगी आप में आएगी, आप में एनर्जी होगी किसी और में जाएगी, किसी और में एनर्जी होगी किसी और में जाएगी, समझ गए। तो ये ट्रांसफर होती है, आगे से पीछे नहीं आती है, ये बहुत बार सवाल आता है पेपर में। और दूसरी बात है, ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो एनर्जी फ्लो ये क्या होता है, साइक्लिक, जो अपने फूड वेब है ना, मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, चीज़ें घूम घूम के नहीं होगी, लेकिन हमारा जो इकोसिस्टम है वो हमेशा साइक्लिक होगा। मैंने बताया ना आपको कि अगर शेर भी जाके तो मिलेगा आखिरी में जाके मिट्टी में ही ना, वही मिट्टी में आखिरी में बढ़ने के बाद में जो उस जगह पे प्लांट उग जाएगा, वो प्लांट को वापस से डियर खाएगा, मतलब कोई भी जिराफ खाएगा, जिराफ को वापस से शेर खाएगा, इस प्रकार से ये चलता रहता है, ठीक है। और एनर्जी हमेशा लॉस होती है, दूसरी बात मैं हमेशा बता रहा हूँ आपको, एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है, कुछ एक एनर्जी हर एक लेवल पे निकल के बाहर जाती रहती है, ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। ये आपका एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, ठीक है। ये देखिए डिकम्पोजर के बाद में एक कैलरी थी, सेकेंडरी के पास में इस प्रकार से थे ना, ये आगे बढ़ती गई। ये देखिए इसके सबसे पहले सन है, सन के पास एनर्जी आई, सन ने मान लो 1 लाख कैलरी एनर्जी प्रोवाइड करी,
तो ये वापस यहाँ पे आके 1000 रह गया, यहाँ पे 100 रह गया, यहाँ पे 10 रह गया और यहाँ पे 1 ही रह गया। इस प्रकार से जो एनर्जी है ना वो पूरी की पूरी खत्म होती रहती है। ठीक है, सनलाइट जितनी जाती है उसकी 2% एनर्जी भी जो है ना टोटल सनलाइट वो फोटोसिंथेसिस के अंदर काम में नहीं लेता है कोई भी प्लांट। यानी कि 98% जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है जो सन से प्लांट के ऊपर पहुंचती है। चलिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी यही बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का दूसरा कानून भी यही बोलता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे एनर्जी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, कभी भी बढ़ेगी नहीं। समझ गए, सिंपल सा है। तो यानी कि जो एनर्जी पिरामिड बनेगा वो हमेशा अपराइट की तरफ ही जाएगा, वापस नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होगा और सौर ऊर्जा से रोशनी में उत्पाद हरे। गाइस उम्मीद है कि आवाज़ आ गई होगी ना, ठीक है, अब तो आवाज़ आ गई होगी। तो न्यूट्रिशन की बात करें, अगर हम तत्वों की और सामग्री की बात करें तो तत्वों और सामग्री में क्या होता है, हमेशा साइक्लिक रोटेशन होता है भाई। अगर कोई भी चीज़ जाएगी, अगर कोई भी चीज़ किसी को खा रहा है तो एंड ऑफ द डे वो जा रहा है, किसी ना किसी आखिरी में जाके उसको मरना ही है। मरने के बाद में वापस से नई एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से जो चीज़ है ना वो उसका रोटेशन जो है वो चलता रहता है। समझ गए, इस प्रकार से। तो पोषण तत्व सामग्री की बात करें तो एक चक्री है जो कि चक्र जो है जो कि चलता रहता है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, पेपर में पूछते हैं ये। अब बात करते हैं DDT की या फिर बायो मैग्निफिकेशन की, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोएथेन, DDT। ठीक है, DDT के बारे में बहुतों ने सुना होगा ना, खेतों में डालते हैं कई बार। ओके, तो DDT की बात करें, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, तो इसको DDT, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन इसका पूरा नाम है। 20 साल तक के लिए इसका टाइम पीरियड होता है जो कि ये खत्म नहीं होता अगर एक बार कहीं पे इसको यूज कर लिया जाए तो। उसके बाद की बात करें तो कभी भी ये हमारी बॉडी इसको पचा नहीं पाती है। समझ गए, ये कभी भी मेटाबोलाइज नहीं होता है हमारी बॉडी में, डाइजेशन जो है ना इसका वो कभी भी नहीं होता है, हमेशा क्या करता है, नुकसान ही करता है DDT। ठीक है, और DDT का लेवल जो है वो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वो वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा। एनर्जी कम होती है लेकिन ये जो DDT है ना ये हमेशा बढ़ता ही चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बात ये मान लूँ कि एक प्लांट है उसमें DDT की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पानी आया मतलब बारिश आई, बारिश से कहाँ चला गया, समुद्र में चला गया वो DDT। समुद्र में जो छोटे छोटे से जानवर है उन्होंने पूरी DDT को खा लिया, मतलब उनकी बॉडी में चला गया। बड़ी मछली ने उसको खा लिया और बड़ी मछली ने उसको भी खा लिया, और बाद में क्या हुआ, इंसान ने उस मछली को खा लिया जिसने कई जगह से जो है ना केमिकल जो है ये बन के आया था। जब इंसान की बॉडी में चले जाएगा तो इंसान के तो नुकसान ही होगा ना, उसने कितनी अलग अलग जगह से जो केमिकल है DDT है वो अपनी बॉडी के अंदर डाल लिया है। इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन इसको कहते हैं। पेपर में बहुत बार इससे रिलेटेड सवाल आता है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये बोलो DDT क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। और ये होता क्या है कि एक इंसेक्ट को, एक कीड़े को नहीं मारता है, डालने के बाद में कई सारे कीड़ों को मार देता है। 20 साल तक का इसका टाइम पीरियड है, बहुत सस्ता होता है इसलिए पूरी दुनिया में काम में लिया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉडी में डाइजेशन नहीं होता है इसका, समझ गए, और इसके वजह से पानी पे अगर DDT डाल दिया तो क्या होगा कि कई जगह पे क्या होगा, नुकसान होगा, कई सारे डिजीज बनेंगे। और एक को बोलते हैं टेराटोजेनेसिस, इसका मतलब क्या होता है कि जो बच्चा होगा ना नया वो डिफेक्टिव पैदा होगा, एम्ब्रियो जो है वो डिफेक्टिव बन जाता है, जो भ्रूण है ना वो क्या हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है। समझ गया, ये देखिए डायग्राम है आपके सामने, DDT डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, एक लेक थी उसमें 1954 में क्लियर लेक थी, पानी एक पूरी झील थी, उसमें DDT डाल दिया। प्लैंकटन का मतलब होता है छोटे छोटे से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो पानी के अंदर मिलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लैंकटन। तो ये पाँच जो है, पाँच पार्ट्स पर मिलियन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में फिश ने क्या कर लिया, इनको खा लिया और बढ़ गए, बड़ी फिश ने और बढ़ा दिए। देखो पहले तो 5 पार्ट थे, फिर 40 से 300 हो गए, फिर 2500 हो गए, ठीक है, और उसके बाद में क्या हो गया, इंसान ने इसको फिश को खा के अपनी पूरी के पूरा बॉडी में क्या कर दिया, सीरियस प्रॉब्लम्स को बढ़ा दिया। इस वजह से बोलते हैं कि उसेन बोल्ट हो, चाहे वो पीटर सिडल हो, पीटरसन हो, आमिर खान हो, सब लोगों ने जो नॉनवेज जो है ना
वो लोग धीरे धीरे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो सिनोनिम है अगर किसी के समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचाता है या फिर फायदा पहुंचाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशक है जो कि कीड़ों की किस्मों को मारता है और एक से अधिक को मारता है। ठीक है, 20 साल तक का इसका टाइम पीरियड है। बहुत ही सस्ता है इसलिए पूरी दुनिया भर में इसे काम में लिया जाता है। पचाया नहीं जाता हमारी बॉडी में, पानी में फेंक दिया जाता है और कई तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करने का ये काम करता है। ठीक है, दोषपूर्ण भ्रूण का गठन जो है वो ये करता है। चलिए अब देखते हैं बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए बायोटिक पोटेंशियल में होगा क्या, अभी दो तरीके के हो सकते हैं, जैविक संभावित है ना। बायोटिक पोटेंशियल जैविक संभावित का मतलब है कि अगर कोई चीज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उसका बायोटिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। भाई छोटी छोटी जो मछलियां पैदा होती है वो बहुत ज्यादा नंबर में होती है तो उनका जो बायोटिक पोटेंशियल है वो बहुत हाई है। जैविक संभावित जिसको बोलते हैं ना, जैविक संभावित वो बहुत ज्यादा है उसका। अगर मैं शेर की बात करूं ऊपर जाके या बहुत वेल की या शार्क की बात करूं तो उसका बड़ा कम होता है बायोटिक पोटेंशियल, क्योंकि उसका जो उत्पादन है संभावित उत्पादन है जैविक उत्पादन है वो कम होगा तो उसका बायोटिक पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे ही एक होता है केयरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता। ठीक है, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। केयरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि आपकी बर्थ रेट किसी चीज की और डेथ रेट वो बराबर मेंटेन हो रही है। ठीक है, बराबर मेंटेन हो रही है तो यानी कि इकोलॉजी जो सिस्टम है ना वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है तो हम उसको केयरिंग कैपेसिटी कहते हैं यानी कि वहन क्षमता कहते हैं। ठीक है, केयरिंग कैपेसिटी पहुंचने का मतलब क्या है कि जितनी चीजें पैदा हो रही है उतनी ही मर रही है, यानी कि जो पॉपुलेशन है किसी भी चीज की वो कॉन्स्टेंट हो चुकी है तो इसको कहते हैं हम केयरिंग कैपेसिटी या फिर ठीक है या फिर वहन क्षमता। ओके, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ एक दो चीजें के बारे में डिफरेंस भी जान लेते हैं। एक्चुअली काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि प्रीडेशन और पैरासिटम में अंतर क्या होता है। एक तो प्रीडेशन होता है, एक पैरासिटम होता है। अब इसमें होता क्या है, प्रीडेशन के अंदर प्रीडेटर जो होता है ना वो क्या करता है, प्रीडेटर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को मारना। ठीक है, पैरासिटम क्या मतलब है, ये छोटी छोटी से जो चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी में मिलती है उसको हम पैरासिटम कहते हैं। अब प्रीडेटर क्या करता है, टाइगर किलिंग डियर। भाई प्रीडेटर तो मारने का काम करेगा तो डियर को मार दिया, किसके लिए मारा है, फूड के लिए मारा है। ठीक है, हाथों हाथ उसकी मौत हो गई और जो मारने वाला होगा उसका साइज बहुत बड़ा होगा लेकिन उसका बायोटिक पोटेंशियल बहुत कम होगा क्योंकि जो टाइगर है लायन है ये तो कम ही पैदा होते हैं तो ये इनको हम बोलते हैं प्रीडेशन। ये पेपर में आता है, ये डिफेंस में भी सवाल में पूछा गया है। वेरा पैरासिटिज्म की बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर हमको देखने को मिलेगा, जैसे कि टेपवॉर्म है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो है। ये दोनों काम के लिए, फूड के लिए और शेल्टर के लिए हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एकदम से हमको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ओवर द टाइम नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि मैंने बोला पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है भाई, पैरासाइट से जैसे कि आपके प्रोटोजोवा है वो भी पैरासाइट है। ठीक है, तो प्रोटोजोवा से होता क्या है, प्रोटोजोवा से आपके मलेरिया हो गया। ठीक है, तो ये तो नुकसान तो पहुंचाएगा लेकिन हाथों हाथ आपको मारेगा नहीं, साइज में स्मॉल होता है, बायोटिक पोटेंशियल बहुत हाई होता है। छोटे छोटे से जो कीड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर के अंदर होते हैं। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए और हमेशा क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन भी लेके आया हूं आपके लिए, 5 क्वेश्चन मैंने आपको एप्लीकेशन में दे दिए, आप वाईफाई एप्लीकेशन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सवाल तो थोड़े थोड़े करते रहेंगे अपन क्योंकि आपकी जो इकोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपको थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो क्लियर आउट होती रहेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कि द यूजुअल एनर्जी डिक्रीजेस एज वी मूव अप इन द फूड चेन, विच अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन दिस फिनोमिना। अगर आप खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो प्रयोग योग्य ऊर्जा कम होती जाती है। सिंपल सी बात है, तो ये ऊर्जा कम होती जो जाती है ना, ठीक है, तो ये कौन सा घटना है, कौन सा लॉ है जो आपको बताना है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपकी जो एनर्जी है ठीक है वो डिक्रीज होती जाएगी, मैंने आपको बताया था। कौन सा लॉ था, थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर भी करने की पूरी कोशिश करनी है आपको। दूसरा देखते हैं, केयरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, वाहन क्षमता का मतलब क्या है, ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया पॉपुलेशन जो है जैसे कि चाइना है,
पॉपुलेशन जो बर्थ हो रहे हैं उतने ही डेथ हो रहे हैं, अगर दोनों सेम है तो उसको क्या कहेंगे, क्योरिंग कैपेसिटी हम उसको कहेंगे, यानी कि जन्म दर इज इक्वल्स टू मृत्यु दर। चलिए आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑफ, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉस्मेसियम, तो कॉमन सेसम क्या है, ठीक है, कॉमन सेलियम को हम क्या कहेंगे, कॉमन सेलियम का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, अगर कोई दो चीजें हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे से काम निकाल रही है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेसिज्म, हम उसको कहते हैं कंसेसिज्म। जैसे कि ऑर्किड ग्रोइंग इन यूकैलिप्टस ट्री, ठीक है, ये भी सही है। टेप फॉर्म है जो कि हमारे बॉडी के अंदर है, इंटेस्टाइन के अंदर चला गया है। अरे भाई, टेप फॉर्म अगर हमारे इंटेस्टाइन में चला गया तो ये तो हमें नुकसान पहुंचाएगा, यानी कि ये गलत हो गया स्टेटमेंट। प्लास्मोडियम हमारे ब्लड के अंदर चल जाएगा काम, ठीक है। बी ड्रिंकिंग नेक्टर ऑफ ए फ्लावर, अगर एक मधुमक्खी है वो फूल से अमृत पी रही है तो भाई क्या दिक्कत है, कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन हमारे टेप फॉर्म अगर हमारे बॉडी में चला गया तो ये नुकसान पहुंचाएगा, समझ गए। तो यानी कि आपका आंसर क्या है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये जो है ना कमेंसिलियम, इसका उदाहरण क्या हो सकता है, 1, 2 और 4, यानी कि दूसरा वाला, ये जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, यानी कि ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। चलिए आगे देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा है। बायोटिक पोटेंशियल ऑफ टाइगर इज हायर देन रैबिट, बांधों की जो जैविक, बाघों की जो जैविक क्षमता है वो खरगोशों से अधिक है। सही बात है क्या भाई, बायोटिक पोटेंशियल क्या बताया था, जो ज्यादा पैदा होगा उसकी ज्यादा होगी, तो भाई खरगोश ज्यादा पैदा होते हैं ना शेर से, तभी तो शेर कम है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इफ वन स्पीशीज बेनिफिट बाय हार्मिंग अनदर स्पीशीज इट मे बी, यदि एक प्रजाति अन्य प्रजातियों को नुकसान पहुंचाकर लाभान्वित होती है तो उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। कुल मिला के बात हो रही है नुकसान पहुंचाने की, पहले वाले में बात थी, ठीक है, जो कॉस्मेसिज्म की बात थी ना, इसमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन यहाँ पे नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है। तो भाई नुकसान तो आपने, मैंने आपको बताया, प्रेडेटर जो होता है वो एकदम से इमीडिएटली मार देता है, लेकिन ये क्या करता है, ये स्लोली मारता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मलेरिया आपकी बॉडी को खत्म करने में। नुकसान तो भाई दोनों ही कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। हार्म तो यानी कि दोनों ही केसेस में पहुंचाई जा रही है। तो गाइज, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने डिस्कस करे, कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जितना हो सके इस तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए, और आज इकोलॉजी के 2-4 क्लासेस और लगाएंगे, इन्वायरमेंट काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स होते हैं, जेनेवा कन्वेंशंस भी हैं, पेरिस क्लाइमेटिक आपको बताया, ठीक है, वो भी एक समिट है, वो उसके बारे में बात करेंगे, रियो डी जनेरियो के बारे में बात करेंगे, इन्वायरमेंट, नेशनल पार्क, जू के अंदर बायोस्फेरिज्म में अंतर क्या होता है, ये सब भी बताऊंगा मैं आपको। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक के अंदर, तो जितना हो सके पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आपने नहीं कर रखा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें और उस तरीके से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। मोटिव अपना जो है वो अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना होना चाहिए और आगे बढ़ाना होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। और जो वन लाइनर सेक्शन था वो आपको 2 हफ्ते से नहीं मिला है, तो वो मैं आज आपको प्रोवाइड कर दूंगा अभी 2-3 घंटे के अंदर। वन लाइनर 2 हफ्ते का है, नियर बाय 30-40 क्वेश्चन है जो कि अपन कवर अप करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे। चलिए गाइज, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।